अपने YouTube चैनल LBS के फेस 3 में। आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में। देखिए रो स्पैन और कॉल स्पैन ये HTML के अंदर थोड़े एडवांस क्लासेस में कवर होता है। जब हम HTML की कोई टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा एडवांस लेवल की क्लासेस में हम इसको कवर करते हैं। देखिए रो स्पैन का काम होता है रो को मर्ज करना और कॉल स्पैन का काम होता है कॉलम को मर्ज करना। जब आप कोई रो और कॉलम क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं जब HTML में, तो वहां पे आप चाहते हैं कि मुझे कुछ कॉलम मर्ज करना है तो उसके लिए आप कॉल स्पैन यूज करेंगे, और अगर आप चाहते हैं रो मर्ज करना है तो उसके लिए हम रो स्पैन का यूज करेंगे। तो आज की क्लास में यही कवर करते हैं। सबसे पहले हम अपना वॉलेट पेज लगा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे मैंने आप देख पा रहे हैं इसके अंदर वॉलेट पेज लगा लिया। मैंने इसको सेव कर रखा है रो स्पैन कॉल स्पैन के नाम से, और इसका जो एक्सटेंशन नेम रहेगा वो डॉट HTML रहेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया रो एंड कॉल, ये मैंने नाम दे दिया रो एंड कॉल। इसके बाद हमने क्या करा, इसके अंदर टाइटल में दे दिया रो एंड कॉल। इसके बाद हम जो यहाँ पे कवर करेंगे वो हम सबसे पहले लगा देते हैं टेबल टैग अपना, और टेबल टैग के अंदर मैं यहाँ से कुछ कोड को लेके आ जाऊंगा। ये हमारे पास वही कोड रहेगा जो हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था। हमारे पास, मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से टेबल से रिलेटेड वो वीडियो हमने अपलोड कर दी है। जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग वो वाली वीडियो जो दो हमने अपलोड कर रखी है वो वाली वीडियो को पहले अच्छे से देख लें, उसके बाद अगर आप इस वाली वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने यहाँ से जितना भी कंटेंट है ये मैंने जो पिछली वाली क्लास में बनाया था वो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसके अंदर जाके हमें पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो आपके पास ये कंटेंट दिख जाएंगे जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कवर कराए थे। इसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे एक रो बनानी है, इसके अंदर आप एक रो क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे सीरियल नंबर से पहले, ठीक है, और ऊपर आप चाहते हो कॉलम क्रिएट करना चाहते हो। तो किस तरह से हम कॉलम क्रिएट करेंगे, पहले हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं इससे। तो कॉलम क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास टोटल हमने कॉलम बनाए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मैंने 6 कॉलम बनाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे टॉप में चले जाएंगे, हेडिंग के जस्ट हेडिंग पे चले जाएंगे, और TR के जस्ट नीचे आपको आके एक एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या जो भी आप लिखना चाहते हो, TH दे दिया आपने, लिख दिया यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हो। जैसे स्टूडेंट, हम यहाँ पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर ले लेते स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम दे दिया। इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल S, और कीबोर्ड से F5 प्रेस करके रिप्लेस करेंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से यहाँ पे क्या आ चुका है, एक डेटा आ चुका है। बट ये आप ये चीज देखेंगे कि डेटा ना इसी के अंदर ही ऐड हो गया है, मैं चाहता हूं इसके अंदर ऐड ना हो, तो इसके एक तरीका है, इसको यहां से कट कर लो कंट्रोल एक्स कर लो, और आप इसके TR के ऊपर चले जाओ एक बार और TR लगाएंगे, अब इसके अंदर पेस्ट कर दो। अब देखेंगे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। जब इसके ऊपर आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये कॉलम वन आ रहा है, उसके बाद ये पूरा एक कॉलम क्या है आप देख पा रहे हैं अलग से बना हुआ। तो मैं चाहता हूं ये जो कॉलम है ना ये मेरे पास इस तरह से नहीं आना चाहिए, ये कॉलम वन पूरा यहां से लेके यहां तक कॉलम वन रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को, इस तरह से देख पा रहे हैं आप लोग। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन लिखेंगे इस तरह से, कॉल स्पैन दे दिया, और कॉल स्पैन के अंदर कितने कॉलम थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 थे, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, सेव करेंगे और कीबोर्ड से F5 करेंगे तो देख पा रहे। तो यहाँ पे आपकी जो हेडिंग है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, फिर ये हमारे पास क्या हो, सेंटर मार्च पे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मुझे इस पर कलर भी देना है, कुछ कलर भी देना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि काम करो इसके ऊपर आप बैकग्राउंड कलर लगा दो। तो बैकग्राउंड कलर कैसे लगाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करूंगा, बैकग्राउंड कलर लिखूंगा, और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम यूज करेंगे लाइट ब्लू कलर। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे लाइट ब्लू कलर आ गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा गैप नहीं आना चाहिए वर्ड और बॉर्डर के बीच में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पैडिंग का, पैडिंग 15 पिक्सल दे दूंगा। सेव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ज्यादा हो गया, मैं इसको एक काम करता हूँ 5 पिक्सल दे देता हूँ। तो हमारे पास ये टोटल 4 रो आ रही है, मैं चाहता हूँ इनको मुझे मर्ज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल के सबसे टॉप में आ जाएंगे, याद रखना TR के नीचे यहाँ पे हमारी टेबल स्टार्ट हुई है, जो सबसे पहली हेडिंग है सीरियल नंबर आप देख रहे हो, इसके टॉप में आने, और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, TH लगाना है। अब TH यूज करो, TD यूज करो, डजंट मैटर, अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो आप TH यूज करना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या नाम देना चाहते हो, मैं LBSTI दे देता हूँ, हमारे चैनल का नाम LBSTI, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे LBSTI लिखा हुआ आ गया है,
और आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि जो ड्यूरेशन है वो हमारी राइट साइड में शिफ्ट हो गई है। मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं ये जो चीज है ना यहाँ पे मर्ज हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो रो स्पैन, रो स्पैन टोटल कितनी हमारे पास यहाँ पे रो अवेलेबल है, 4। मैं सेव करूंगा, रिप्लेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारे पास ये रो एक मर्ज हो चुकी है। ठीक है, आपने इस तरह से यहाँ पे रो मर्ज कर दी। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो कि जब हमने रो मर्ज करी तो हमारे यहाँ पे कॉलम की सेटिंग बिगड़ गई, देखो यहाँ पे कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो यहाँ पे कॉलम को मर्ज किया है वो 6 कॉलम को मर्ज किया है। और जरा अब नोटिस करो कितने कॉलम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 हो गए। तो यहाँ पे तो सेटिंग चेंज होनी थी, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा सब लाइन में चलते हैं और जहां हमने 6 लिखा है ना वहां 7 कर देंगे। ठीक है, और सेव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, अपनी टेबल को अच्छे से मेंटेन कर सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जो हमारे पास रो आ रही है, ठीक है, वो मर्ज हो चुकी है, और ऊपर हेडिंग में जब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो कॉलम आ रहे हैं वो भी मर्ज हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपनी रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करते हैं टेबल के अंदर, एचटीएमएल के अंदर टेबल को कैसे, एचटीएमएल के अंदर टेबल को कैसे मेंटेन करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम और भी टेबल के अंदर एडवांस चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो प्लीज हमारी वीडियो को देखना।